श्योपुर जिले में बारिश के पानी से आई आपदा के कारण लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। ना पहनने को कपड़े हैं, ना खाने को अनाज है और ना ही रहने को घर है। यही हाल तहसील बड़ौदा के बाढ़ 5 सामाखाड़ का है, जहां लोग बेघर हो चुके हैं। नाबागत एसपी कलेक्टर से उम्मीद लगाए हुए हैं। जब इस बात की भनक पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को लगी तो वह सामाखाड़ वासियों के यहाँ पहुँचे, जहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा खाद्य सामग्री वितरण की गई, जिसमें तिरपाल, आटा, किराना बास, बल्ली, आलू, प्याज, तेल, स्टील बर्तन आदि सामग्री का वितरण किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक की दरियादिली को देख लोग खुश नजर आए और मीडिया से चर्चा के दौरान एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, इस आपदा में कई सामाजिक संस्थान आगे आए हैं। इसमें हमारा नैतिक दायित्व था, जितना हमसे मदद होगी उतना हम प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, उसमें कई सारे सामाजिक संस्थान सब लोग सामने आए हैं और सभी लोग किसी न किसी प्रकार से मदद कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व था कि इसमें जो पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि जो आपदा का प्रकोप रहा है वो काफ़ी ज़्यादा भीषण रहा है, तो इसमें जो इतना जो हमारा नैतिक दायित्व था, उसमें जो हमारे भाई बहन जिनका सभी सामान बह गया है, उनको जितनी भी हमारी क्षमता अनुसार हम मदद कर सकते हैं, मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी दौरान हम लोगों ने ये वार्ड नंबर 5 में सामाखाड़ करके एक आदिवासी टोला है, जिसमें करीब कुछ परिवार हैं जिनके लिए हमने उनके घर शेल्टर बनाने के लिए सामग्री, जिसमें त्रिपाल और बांस बल्ली, साथ ही साथ सूखा राशन और इसके अलावा इनके बर्तन और कुछ कपड़ों की इनकी जो आवश्यकताएं थी, गद्दे और कंबलों की, उनको ध्यान में रखते हुए पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस गाँव के जितने भी लोग निवासी हैं, उनके जो भी दस्तावेज बह गए हैं, उनको भी बनवाने में पूरी पूरी मदद करेंगे और आगे भी भविष्य में इनको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी तरफ पूरी आशा की तरफ से तरह से देख सकते हैं और हम इनको 100% मदद करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक डेली न्यूज़।